नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ और मस्त होंगे आशा करते हैं। दोस्तों, विटामिन डी का शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ इंडिकेशंस हैं जिनको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन डी की कमी है, तो आप भी अपने लिए चेक कर लें कि कहीं आप भी इस नंबर में तो नहीं हैं। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब सवाल यह उठता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत है, क्या हम वो ले रहे हैं? शरीर में अगर किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी होती है तो इसका पूरा असर शरीर पर साफ दिखाई देने लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन डी अगर ठीक से शरीर को ना मिले तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किन लोगों को विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में होता है ऐसा असर, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। शरीर को फिट रखने के लिए कई सारी विटामिन की ज़रूरी होती है। अगर शरीर में किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो वो शरीर के पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण आप बार बार बीमार होने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। बच्चे हो या बुजुर्ग, अगर उन्हें सही टाइम पर विटामिन डी ना मिले तो उनके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर समय रहते शरीर पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जानें विटामिन डी की कमी होने पर शरीर पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले डार्क स्किन वाले लोगों के लिए बात करते हैं। जिन लोगों की स्किन डार्क होती है उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि उनके त्वचा के ऊपर लेयर पर मेलानिन होता है, जिसके कारण उन्हें विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। उसके बाद नॉनवेज खाने वाले लोगों के अंदर भी विटामिन डी की कमी होती है। जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। नॉनवेज खाने के कारण शरीर को प्रोटीन तो मिल जाता है, लेकिन विटामिन डी की कमी रह जाती है। शरीर को ठीक से विटामिन डी मिले इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी, फल और दूध खानी चाहिए। साथ ही साथ धूप में भी बैठना चाहिए, इससे शरीर को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आज लोग 9 से 10 घंटे ऑफिस में बिता देते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है। मॉर्निंग शिफ्ट करने वाले लोगों को तो एक पल के लिए दर्शन भी हो जाए, लेकिन नाइट और शाम को शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए मुश्किल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियाँ भी बढ़ने लगती है। 50 साल के बाद विटामिन डी की कमी होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम की कमी होने लगती है। विटामिन डी की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव, अकेलापन, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आप जान गए होंगे कि किन किन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।